फोरम्स यानी कि हमारी कलाई हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसपे लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है, लेकिन फिर भी इसकी इम्पोर्टेंस कई ज्यादा है। अगर फोरम्स मसल मजबूत होगी तो आप भारी से भारी चीजें उठा पाओगे, लेकिन काफी सारे लोग अपनी कमजोर कलाई पे ध्यान नहीं देते, और अगर ध्यान देते भी है तो वो मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट को बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके शरीर को कितनी हानि पहुंचा सकता है। दुबली पतली कलाई सिर्फ हमारी कमजोरी नहीं दिखाती, कई बार कमजोर हाथों की वजह से हम अपने फ्रेंड्स ग्रुप में मजाक भी बनके रह जाते हैं। और आज के जमाने में जहाँ दिन पर दिन क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है, हर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऐसे समय में हाथों का मजबूत होना उतना ही जरूरी है जितना हमारी लाइफ में इंटरनेट का होना होता है। अगर आपकी कलाई भी पतली है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद सिर्फ 7 दिनों में वो भी नेचुरल तरीके से आप अपनी फोरम्स मसल या फिर कहे अपने हाथों के मसल को अच्छे तरीके से मजबूत कर पाओगे। हो सकता है कि कल आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़े। ऐसे में जिसके हाथ मजबूत होंगे वो किसी भी समस्या का सामना बिना डरे और पूरे कॉन्फिडेंस से कर पाएगा। इस वीडियो में हम 2 चीजों पे फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जो आप आसानी से कहीं भी कर पाओगे, और फिर मैं आपको कुछ ऐसे फूड के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी बॉडी में मांसपेशियां जल्दी बनने लगेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कई सारे लोग इसे एक रूटीन बना नहीं पाते, बट डोंट वरी, मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और एंड तक बताई गई सब चीजों को ठीक से समझेंगे तो बाकी सारी चीजें आप आराम से कर पाओगे। देखिए, सबसे पहले आपको फोकस करना है हाथों के वर्कआउट पे। आप जितनी ज्यादा रिस्ट एक्सरसाइज करेंगे उतनी ही आपकी कलाई मजबूत होती जाएगी, और अगर आपको एक्सरसाइज की हैबिट लग गई तो हो सकता है कि कुछ ही महीनों में आपकी कलाई इतनी स्ट्रोंग बन जाए कि आपके जो दोस्त पहले आपका मजाक उड़ा रहे थे वही आपकी तारीफ करते करते ना थके। तो सबसे पहले इजी एक्सरसाइज है रिस्ट सर्कल। ये एक्सरसाइज दिखने में सिंपल लगती है पर इसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करेंगे तो सिर्फ कुछ महीनों में रिजल्ट दिखने लगेंगे। तो सबसे पहले सीधी पोजीशन में खड़े हो जाना है। अब अपने दोनों हाथों को आगे लेके जाना है। आपका कंधा और कोहनी एक सीधे लाइन में होने चाहिए। अब अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर लीजिए और धीरे धीरे मुट्ठी को कलाई से घुमाते हुए एक सर्कल बनाइए। अगर आप रेगुलर वर्कआउट करने वालों में से नहीं हो तो प्लीज इस एक्सरसाइज को आराम से या फिर धीरे धीरे करना। अपने हाथों पे ज्यादा जोर ना डाले और मुट्ठी को भी बहुत तेजी से ना घुमाए। एक बात याद रखना, सब्र का फल मीठा होता है। तो सबसे पहले मुट्ठी को अंदर की ओर घुमाए और फिर बाहर की ओर। इसी तरह आपको 10 से 15 रेप्स लगाने और 3 सेट करने हैं। और देखिए, इस एक्सरसाइज से आपकी कलाई की मसल्स थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी और फिर आपको आगे दूसरी एक्सरसाइज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। रिस्ट सर्कल के 3 सेट पूरे करने के बाद अब हाथों से थोड़ा वेट लिफ्टिंग करना है, जो कि बहुत ही आसान है और आपको मजा भी आएगा। इसके लिए आपको पहले एक टेबल ढूंढनी पड़ेगी और साथ में वेट लिफ्टिंग के लिए एक डंबल की जरूरत पड़ेगी। अगर टेबल ना मिले तो आप किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसपे आप अपना हाथ रख के एक्सरसाइज कर सके, और अगर डंबल ना मिले तो कोई भी हल्की वजन वाली चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपने एक हाथ को टेबल पे इस तरह से सेट करें कि कलाई टेबल की एज पे रहे और पंजा नीचे की ओर थोड़ा लटका हुआ रहे। अब धीरे धीरे डंबल को ऊपर उठाए और फिर वापस नीचे ले जाए। अगर आपको लगे कि डंबल का वजन बहुत ज्यादा है तो ज्यादा जोर ना लगाए और थोड़े छोटे डंबल के साथ ट्राई करें। कलाई को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर उठाते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखना कि आपको अपना पूरा फोकस अपनी कलाई और डंबल पे रखना है। हाथ का कोई भी दूसरा हिस्सा हिलना नहीं चाहिए। इसी तरह दोनों हाथों को ऊपर नीचे करते हुए 10 से 15 राउंड के 3 सेट करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लोग रेगुलरली वर्कआउट नहीं करते वो शुरू शुरू में भारी डंबल का उपयोग ना करें, नहीं तो मसल्स में खिंचाव आ सकता है। देखिए, जिंदगी में कभी भी मायूस होकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जिनके पैर नहीं होते वो भी हिमालय चढ़ जाते हैं और जिनके हाथ नहीं होते वो अपनी तकदीर खुद लिख के जाते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं एक और मजेदार और आसान एक्सरसाइज की, और उसके बाद में आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आपकी कलाई मजबूत बनाने के इस मिशन में आपको काफी हेल्प करेगी। दूसरी मजेदार एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस बेंड रिस्ट फ्लेक्शन। इसके लिए आपको एक चेयर और एक रेजिस्टेंस बेंड की जरूरत पड़ेगी, जो आपको किसी भी फिटनेस इक्विपमेंट स्टोर से या फिर ऑनलाइन बड़े आराम से मिल जाएगा। ओके, तो आप चेयर पे बैठ जाए, रेजिस्टेंस बेंड का एक सर हाथ में लपेट ले और दूसरे सर को अपने पैर के नीचे दबा दे। अब वो बेंड कलाई को नीचे की ओर खींचेगा और आपको धीरे धीरे अपनी कलाई ऊपर की ओर खींचनी है। इससे कलाई स्ट्रेच होगी और धीरे धीरे मजबूत बनेगी। इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी कलाई पे जोर देना है, पर याद रहे कि आपको सिर्फ धीरे धीरे उसे ऊपर उठाना है। कहीं ज्यादा जिम मोटिवेशन के चक्कर में आके ये ट्राई मत करना कि चलो देखते हैं कि मैं अपनी कलाई को कितनी ऊपर तक खींच सकता हूँ। इस तरह के चैलेंज कम और आपकी रिस्ट के लिए रिस्क ज्यादा हो सकता है। शुरू में आपको हर हाथ पे 10 से 15 रेप्स लगाने हैं, और फिर जब आपको लगे कि अब आपको स्ट्रेचिंग में ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता तब आप रेप्स बढ़ा सकते हैं या फिर कोई और स्ट्रॉन्ग बैंड यूज कर सकते हैं। देखिए, हमने कलाई की मजबूती की बात तो कर ली, लेकिन
लेकिन इसके साथ ही आपको अपने हाथों की पकड़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। कलाई की मजबूती जितनी जरूरी है, हाथों की ग्रिप का स्ट्रोंग होना भी उतना ही जरूरी होता है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ एक हैंड ग्रिप स्ट्रिंग ट्रेनर की। लेकिन अगर आप ये मैनेज नहीं कर सकते तो इसके बदले आप एक सॉफ्ट गेंद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टूल को अपने हाथ में पकड़ लो और हल्के हाथों से अंदर की ओर पुश करो। ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल हल्के हाथों से करनी है, इसलिए पहले ही दिन इस टूल पे पूरा जोर मत लगा देना। तो इस इक्विपमेंट को अपने हाथों में ले और धीरे धीरे अंदर की ओर पुश करे। फिर 2-3 सेकंड तक उस पोजीशन को होल्ड करके रखे और फिर वापस धीरे धीरे पुरानी पोजीशन में आ जाए। ठीक ऐसे ही दूसरे हाथ से भी यही करना है। और देखिए, एक रात में गुठली आम का पेड़ नहीं बनती, इसलिए ये चीज हमेशा याद रखना कि वर्कआउट को वक्त देना बहुत ही जरूरी होता है। अभी जिन एक्सरसाइज की बात हमने की उसे आपको हर रोज धीरे धीरे करना होगा। जब आप इसे एक रूटीन काम की तरह करने लगेंगे तब ये सारी एक्सरसाइज आपके लिए खेल बन जाएगी। जैसे कि आपको फोरम एक्सरसाइज में रिस्ट सर्कल करना है, उसके बाद वेट लिफ्टिंग करना है, फिर रेजिस्टेंस बेंड रिस्ट फ्लेक्शन करना है, फिर हैंड ग्रिप स्ट्रेंथर से आपको एक्सरसाइज करनी है। पर अब ध्यान देना, इन सब एक्सरसाइज से पहले मसल्स रिलैक्स करने के लिए कुछ आसान एक्सरसाइज करनी होती है, ताकि एक्सरसाइज करते वक्त मसल में कोई खिंचाव ना आए। इसके लिए सबसे पहले स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाए, फिर अपने दोनों हाथों से नमस्कार वाला पोज बनाए। अब धीरे धीरे अपने हथेलियों को नीचे की ओर पुश करें और उसे बेली बटन तक ले जाए। अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं और कलाई में दर्द महसूस हो रहा है तो ज्यादा जोर ना लगाए और हाथों को उतना ही नीचे ले जाए जितना आपके लिए कम्फर्टेबल हो। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अपने हाथ जोड़ के रखने हैं। जब आप अपनी हथेली नीचे लेके जाओगे तो इस बात का ध्यान जरूर रखना कि हथेलियां नीचे से अलग ना हो। बस ऐसे ही धीरे धीरे दोनों हथेलियों को पहले नीचे ले जाए और फिर वापस ऊपर लेके आए। शुरू शुरू में ये एक्सरसाइज आप 1-2 मिनट तक कर सकते हैं, फिर अपने कम्फर्ट के हिसाब से आप टाइम भी बढ़ा सकते हैं। अब थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए और लंबी गहरी सांस ले। 30 सेकंड के ब्रेक के बाद वापस स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाना है। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा फैला दे और अपनी हथेलियां खोल के उंगलियों को छत की ओर कर ले। फिर अपनी उंगलियों को धीरे धीरे नीचे की ओर लेके जाए। जब आपकी उंगली की नोक जमीन की ओर हो जाए तो 10-15 सेकंड तक हाथों को इसी पोजीशन में रखना और फिर उंगलियों को ऊपर की ओर खींचे और वापस 10-15 सेकंड तक पोजीशन होल्ड करे। इसे 2-4 बार रिपीट करना है और उसके बाद आप फाइनल एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर आपको मैंने जो 4 एक्सरसाइज बताई है वो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, एक्सरसाइज के बारे में तो आपने समझ लिया, लेकिन जब भी बॉडी बिल्डिंग की बात आती है तो लोग सिर्फ और सिर्फ कसरत पे ही फोकस करते हैं, जबकि सही एक्सरसाइज के साथ सही आहार भी होना बहुत जरूरी होता है। कमजोर कलाई यानी कि कमजोर हड्डियां, ऐसे में आपको कैल्शियम रिच फूड्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। दूध कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो कोशिश करो कि आपकी डाइट में दूध जरूर हो। अगर आपको दूध पीना पसंद नहीं तो आप दूध से बनी चीजें भी खा सकते हैं, बट अगर बाय चांस आपको दूध से एलर्जी है तो आप दूसरी चीजें भी खा सकते हैं जिससे आपकी बॉडी को कैल्शियम मिले, जैसे कि पालक या फिर दूसरी पत्तेदार सब्जियां। कैल्शियम के बाद आपको प्रोटीन पे भी फोकस करना है, क्योंकि प्रोटीन मांसपेशियां बनाने में अहम भूमिका निभाता है। प्रोटीन के लिए आप दूध, दही, पनीर, छाछ, अंडा, सोयाबीन और दालें खा सकते हैं। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन है तो मटन भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और देखिए, इस वीडियो में हमने वर्कआउट से लेकर डाइट तक सब कुछ डिस्कस कर लिया है, एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल साबित होगी। और अगर कुछ भी डाउट है तो ये वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें, ताकि सारी चीजें आप अच्छे से समझ सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।